चित्रकार ने कोरे कागज पर उकेरा है और जीवन के रंगों के इस्तेमाल से खूबसूरत पेंटिंग्स तैयार की हैं। इस गैलरी में भगवान गणेश की अलग अलग रूपों और रंगों में पेंटिंग्स हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की इन पेंटिंग्स को तैयार किया है महिला चित्रकार मंजुला कमल ने। गणपति एक, लेकिन रंग अनेक, मूरत अनेक। अपनी कूची के जादू से तैयार मंजुला की चित्रकारी इंटरनेट पर भी खासी लोकप्रिय हो रही है। पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने किया। मंजुला बताती हैं कि गणपति की ऑयल पेंटिंग्स बनाने के पीछे यही सोच थी कि हर शुभ कार्य के पहले गजानन को पूजा जाता है, इसलिए गैलरी की शुरुआत गणपति से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। गणेश भगवान सभी पूजाओं में प्रथम आते हैं, तो मैंने सोचा पेंटिंग्स की भी शुरुआत मैं गणेश के माध्यम से ही करूं। ऐसा नहीं कि केवल गणेश, उसके अतिरिक्त आप देखेंगे और भी पेंटिंग्स हैं अलग अलग विषयों पर भी हैं, लेकिन केंद्र बिंदु गणेश ही हैं मेरे। और वैसे तो विघ्नहर्ता है, विघ्नेश्वर हैं, इसलिए और भी लगता है कि इनको हम आध्यात्मिक रूप से भी पूजते हैं। तो देश में नहीं था कि हम गणेश के माध्यम से ही अपने गैलरी की शुरुआत करें। किसी भी चित्रकारी में रंगों का चुनाव चित्रकार की सोच और उनके अनुभव को दर्शाता है। मंजुला खुद एक युवा चित्रकार है, इसलिए उनकी पेंटिंग्स में चटख रंगों का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि उनकी सोच बताती है कि चटख रंग पॉजिटिविटी को तो दिखाता ही है, ये रंग खुशहाल जीवन के द्योतक भी हैं। क्योंकि लाइफ, कलरफुल लाइफ अपनी एक देख के थोड़ा सा माइंड को अच्छा रिफ्लेक्ट करे, कलर लाइफ में होने चाहिए, उसको देखते हुए ब्राइट कलर्स का उपयोग किया है ज़्यादातर हमने। और बेसिकली होता है कि रंग जो कहना चाहता है और सामने वाले वो समझ सके, तो कलर के माध्यम से मैं दर्शाना चाहती हूँ कि जीवन में खुशियाँ कलर बना रहे, ये भी एक उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि मंजुला ने सिर्फ गणपति की ही पेंटिंग्स बनाई है, बल्कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, फ्यूजन ऑफ थॉट्स, कैप्चर ऑफ लाइट जैसे दूसरे विषयों पर भी तस्वीर उकेरी है। मोनिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सारा समय, भोपाल। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।